नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं इन्फिनिक्स हॉट 30 5G मोबाइल में हैंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर दोस्तों आपके पास कोई दूसरा इन्फिनिक्स का मोबाइल है तब भी इस वीडियो को देख सकते हो, सभी मोबाइल में सेम ही प्रोसेस रहेगा हैंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने मोबाइल की दोस्तों सेटिंग को ओपन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर माई फोन्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बिल्ड नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा, बिल्ड नंबर पे आपको 6-7 बार लगातार टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों जो है बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, सिस्टम का ऑप्शन दिखाई देगा, सिस्टम के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आप इस सेटिंग को ऑन कर दीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते करते आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको एक सेटिंग करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बीच में आपको कहीं भी छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पर विंडो एनिमेशन स्किल का ऑप्शन दिखाई देगा, पहले वाले स्किल पे क्लिक करेंगे इसको ऑफ कर देंगे, दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे इसको भी ऑफ कर देंगे और तीसरे वाले पे क्लिक करेंगे इसको भी ऑफ यहाँ से कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और सेटिंग करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का, इस पर आपको क्लिक करना है। और बाद दोस्तों यहाँ पर टू पे आपको टिक लगाना है, टू प्रोसेस जिस पे लिखा है, उसके बाद ये सेटिंग हो चुकी है। अब आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद ये दोस्तों सेटिंग तो हो चुकी है, अब एक चीज आपको समझना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके मोबाइल में फाइल मैनेजर नाम से एक एप्लीकेशन होगी, इस एप्लीकेशन को आप ओपन करिए और यहाँ पर आपको देखना है इंटरनल स्टोरेज कितनी हमारे मोबाइल की भरी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है ये आपके मोबाइल में 2-3 GB हमेशा इंटरनल स्टोरेज खाली रहना चाहिए, तभी आपका मोबाइल हैंग नहीं करेगा। तो ये सेटिंग हो चुकी है, बस यही आप कर लीजिए, आपका मोबाइल जो है सही चलने लगेगा।